हेलो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल कुसुम पहाड़ी में, और आ गई हूँ मैं एक नई वीडियो के साथ। तो वीडियो की शुरुआत हो रही है आज सुबह के 9 बजे से। तो अभी घर का सारा काम निपट गया है और मैं भी नहा धो के एकदम तैयार हूँ। तो अभी बस भूख लग रही है तो जल्दी से नाश्ता बना लेती हूँ, और आज दिखाती हूँ मौसम कैसा हो रहा। तो आज ना मौसम बड़ा अजीब सा हो रहा है, धूप अजीब सी लग रही है, मतलब चिपचिपी इस टाइप की हो रही है। और अभी मेरे थोड़ा से कपड़े भी धोने के लिए रखे हुए हैं। तो सबसे पहले मैं नाश्ता कर लेती हूँ और उसके बाद धोती हूँ कपड़े, क्योंकि मुझे काफ़ी भूख लग रही है। तो आज मैं बना रही हूँ, दिखा दें आपको भी। अभी मैं बना रही हूँ परांठे। तो ये मैंने सुबह से ही तैयार करके रखा हुआ है। तो ये है लौकी। तो आज मैं लौकी के परांठे बना रही हूँ, और सबके लिए मैंने सुबह बना लिए थे। बच्चे भी स्कूल चले गए और मेरे हस्बैंड भी चले गए ड्यूटी पे, तो अभी अकेली हूँ। तो अपने लिए बनाते हैं जल्दी से पराठा और खाते हैं फिर। तो मैं लौकी के ज़्यादातर परांठे ही बनाती हूँ, क्योंकि बच्चे लौकी की सब्ज़ी तो बिल्कुल खाते नहीं हैं, लगभग सारे बच्चे ऐसे होते हैं। तो इसलिए मैं लौकी के ज़्यादातर या तो दाल के साथ बनाती हूँ या तो फिर परांठे ही बनाती हूँ। तो परांठे तो सबको पसंद होते हैं। और तो मैंने लौकी को सबसे पहले कद्दूकस किया और उसका पूरा पानी निकाल दिया निचोड़ के। उसके बाद मैंने थोड़ा सा तेल में फ्राई करके और इसको थोड़ा जीरा का और अजवाइन का तड़का लगाया इसमें, ताकि ये खाने में इसका स्वाद और भी बढ़ जाए और जो इसमें थोड़ा हल्का फुल्का पानी रहता है वो भी सूख जाता है। तो ऐसे बनाने से काफ़ी टेस्टी बनते हैं परांठे। चलो जल्दी जल्दी बनाती हूँ, भूख भी काफ़ी टेस्ट लग रही है। तो दोस्तों, फाइनली मेरा नाश्ता बनके तैयार है और हमारी बनके तैयार है चाय भी। तो चलो जल्दी जल्दी से गर्मा गर्म चाय के साथ परांठे का मज़ा लेते हैं। और ये देखो हमारी चाय का कप इतना भर के। लोग इसमें कॉफ़ी पीते हैं, इसको कॉफ़ी मग बोलते हैं, लेकिन हम तो चाय पीते हैं, क्योंकि हम गढ़वाली जो ठहरे तो हमें तो चाय पसंद है, कॉफ़ी तो ज़्यादा पसंद है ही नहीं, इसलिए मैं तो इसमें चाय पीती हूँ। तो मैं आराम से अंदर में बैठ के नाश्ता कर रही हूँ, और मैंने निकाल रखा थोड़ा सा अचार और चाय। चलो फटाफट से कर लेते हैं नाश्ता। तो दोस्तों, अभी नाश्ता हो गए हैं और अभी जल्दी जल्दी से कपड़े धो देती हूँ, क्योंकि मौसम भी खराब होने लग गया है और मेरे को पूरे बादल ही बादल आ गए हैं। तो दोस्तों, जब तक मैं कपड़े धुलती हूँ तब तक आप लोग खूबसूरत से नज़ारों का आनंद, और मिलती हूँ मैं आपको कपड़े धुलने के बाद।
दोस्तों अभी मेरे में आपको सीधा दिन में और जा रही हूँ बच्चों को लेने के लिए, तो अभी छुट्टी का टाइम हो गया है तो थोड़ा मौसम चेंज हो गया है, चलो चलती हूँ। तो दोस्तों अभी खाना भी खा गया स्कूल से आने के बाद, और अभी मैं कुछ बनाने वाले हूँ। तो ये देखिए ये क्या चीज़ है, किस से पता ये क्या है? तो ये आ रखे हैं अरबी के पत्ते, मायके से फला गए थे और ये भी थोड़ी ख़राब भी होने लगे। तो मैंने सोचा लोग तो बाज़ार से ला के खरीद के पैसे दे के ला रहे हैं, फिर बना रहे हैं हमारे लिए फ्री में आ रखे हैं, तो क्यों ना मैं इनका आज पतीवर बना लूँ। और ये काफ़ी सारे दे रखे थे मम्मी ने, तो इतने तो मार्केट से लाएंगे अगर, तो ये तो लगभग कम से कम 100 रुपये के तो होंगे होंगे। तो मैंने सोचा इतनी मेहनत करके दे रखे हैं तो बर्बाद नहीं करती हूँ, वैसे तो नींद भी आ रही थी, पर लेकिन मैंने सोचा इनको बना ही देती हूँ, उसके बाद ही देखती हूँ आगे क्या करती हूँ। तो चलो सबसे पहले मैं इनको बनाने के लिए तैयारी करती हूँ, तो सबसे पहले मैं निकाल देती हूँ जिसके मैं बना के रखूँगी, तो उसके लिए मैं रख दूँ परेशर। ये मैंने निकाल दिया है बड़ा वाला प्रेशर 500 रुपये वाला, और इसमें रखेंगे हम पका के। तो गांव में तो हम इसके नीचे लकड़ियाँ रखते थे, लेकिन यहाँ पर लकड़ियाँ आएंगे तो समझ से ही काम चलेगा। और इसमें लकड़ियाँ इसलिए रखते थे ताकि ये नीचे चिपके ना, तो मैं इस पर चम्मच को कुछ इस टाइप से रख दूँगी ताकि ये नीचे न चिपके। और इसके लिए सबसे पहले पानी डाल देते हैं, मैं डाल दें इसमें पानी, एक गिलास लगभग बड़ी गिलास है, तो इसमें मैंने इतना पानी रख लिया है, लगभग बड़ी गिलास से गिलास होगा, और इससे ज़्यादा भी नहीं रखना है क्योंकि गीले हो जाते हैं। तो इसमें मैं एक पत्ता रख देती हूँ जो थोड़ा वैसे वाला होगा ख़राब, जैसे मतलब हार्ड टाइप का। तो इसको ही रख देती हूँ, ये ख़राब है, तो इसको नीचे रख देती हूँ साइड साइड से तोड़ के। ये जितना ख़राब हो रखा है इसको मैं फेंक देती हूँ, और ये बीच बीच का जो सही सही है उसको नीचे रख देती हूँ, क्योंकि खाने की यूज में तो वो भी नहीं आएगा। पर लेकिन ये अब साफ हुआ, मैं इसको दो चार टुकड़े करके ऐसे रख देती हूँ। तो अभी मैंने इसे कुछ इस तरह से रख दिया है ताकि ये जो हम बनाएंगे पतीवर तो वो ख़राब ना हो और नीचे न चिपके। तो मैं बना रही हूँ बेसन और आटा मिक्स करके ताकि वो गीले भी ना हो और उसका टेस्ट भी अच्छा आता है। तो पहले आटा तैयार कर लेते हैं, तो ये मैंने थोड़ा सा आटा ले लिया इसमें, और थोड़ा सा मैं इसमें डाल दूँ बेसन, बेसन को नुकसान पी के डालूंगी। अभी मैं इसमें मसाले भी डाल देती हूँ, मसाले तो इसमें ज़्यादा कुछ पड़ते नहीं है, नमक मिर्च और थोड़ा सा हल्दी बस। मिर्च तो मैं थोड़ा कम ही रखती हूँ क्योंकि बच्चे खाते नहीं हैं, इसलिए थोड़ा कम ही मिर्च डालती हूँ। इसमें मैंने थोड़ा सा अजवाइन भी डाल दिया है क्योंकि ये थोड़ा ठंडे होते हैं, तो इसलिए इसमें अजवाइन ज़रूरी है, थोड़ा सा हल्का सा मैंने अजवाइन डाल दिया है, ज़्यादा नहीं डाला। अब मैं इसका अच्छे से पहले मिक्स कर लूँगी और उसके बाद इसका एक पेस्ट बना लूँगी।
इसमें इस टाइप का बना है, ना ज़्यादा पतला है और ना ही ज़्यादा गाढ़ा, क्योंकि ज़्यादा पतला बना तो उसके पत्ते चिपकते नहीं। ये कुछ इस टाइप से बना रखा मैंने, और मैंने इसको काफ़ी अच्छे ढंग से सेंक लिया है। और अभी चलो करते हैं शुरू। मैं यहाँ पे अखबार बिछा रही हूँ, क्योंकि इतना बड़ा मेरे पास बर्तन नहीं है कि मैं इसमें पत्ते रख सकूँ। मैंने एक साफ वाला अखबार लिया और यहाँ पे बिछा दिया। और जो सबसे पहला वाला पत्ता है वो अच्छा वाला होना चाहिए, बिल्कुल फटा नहीं होना चाहिए। तो चलो करते हैं शुरू। अभी मैंने इस पर लगभग 10-12 पत्ते लगा लिए हैं, और ये इतना ही बड़ा बनाऊंगी मैं। तो इसको फिर अब यहाँ से ऐसे फोल्ड करके यहाँ से थोड़ा थोड़ा इस पर पेस्ट लगा लेंगे। और इस तरफ से वैसे फोल्ड करके इस पर लगा लूँगी मैं पेस्ट। फोल्ड इसको एकदम अच्छे से करना होता है, ताकि ये पकते टाइम खुले ना। अगर ये अच्छे से फोल्ड नहीं होगा तो ये खुल जाता है। यहाँ से हम इसमें अच्छे से आटा लगा लेंगे और इसको ऐसे फोल्ड कर देंगे। और इसको मैंने कुछ इस तरह से रख दिया एक साइड से इसको, यहाँ पे इसको मैं किसी चीज़ से थोड़ा सा दबा दूँगी। ये बेलन से दबा देते हैं, थोड़ा सा हल्का सा सपोर्ट से बस तक खुले रहे। तो बाकी भी बना लेती हूँ मैं, देखती हूँ कितने बनते हैं, और ये तो मैं आपको ये पूरा काम निपटाने के बाद। तो ये बन गए हमारे पत्यूर, और बन गए मतलब ये पके नहीं है पर बना लिए हैं, और तीन बने हैं। तो अभी इसे ढक्कन बंद करके इसको पकाने के लिए रख देती हूँ, और टाइम भी काफ़ी ज़्यादा हो गया है तो सीधा सिलाई पर लग जाती हूँ। तो दोस्तों हमारे पति बन के तैयार हैं, और दिखा दें आपको। तो ये देखो, और इनको चेक करेंगे हम इसके, तो ये अगर ये अच्छे से जा रहा है इसके अंदर तो समझ लो पक गया है, और अगर थोड़ा सा भी चार चार की आवाज़ करेगा तो ये कच्चा रह जाता है। तो ये देखो आसानी से जा रहा। और अभी ये खाने लायक नहीं हुए हैं, क्योंकि इन पर भी थोड़ा थोड़ा पानी है, और इसको पहले सुखाना पड़ेगा अच्छे से। तो ये कल सुबह तक होंगे खाने लायक। तो अभी मैं इनको थोड़ा ठंडा होने दूँगी, उसके बाद इसको फ्रिज में रख दूँगी।